लास्ट टाइम अली ने परेशान किया था सुफियान को, अभी सुफियान परेशान कर रहा है अली को, समझा रहे थे। इतने में अली हाथ छोड़ा निदा को और सीधा भाग गया, कहीं भी नहीं मिल रहा हूँ। मैंने चार पांच लोगों से पूछा भी। हाँ चलो 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 चलो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आज है द जजमेंट डे, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ को रिस्क करने जा रहा हूँ किसी ऐसे इंसान के हाथ में जो बहुत ही मस्ती खो रहे हैं। ये देखो ये बेटा कौन सा बटन दब गया तेरा गलती से। अरे 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 एनर्जी देखो, इसकी एनर्जी देखो, और ये देखो ये है उसकी ऑपोजिट बहन जो सिर्फ लेटी रहती है। क्या खा के पैदा हुआ? बोलो। अच्छा तो क्या बोलूं? अच्छी बातें करो। क्या बातें करूं? नींदा दीदी बहुत अच्छे है। तेरे को ऐसा लगता है ना? अच्छे मेरे को तो नहीं लगता, मुझे तो लगता। तो तेरी गलती है, मैं गलती सुन ले। मैं क्या करूं? मैं यूट्यूबर हूं। तू यूट्यूबर है? हाँ। तो ये बात का क्या सेंस बना बेटा कि तेरी गलती है तू यूट्यूबर है? जरा मेरे को समझा। यूट्यूबर है तो मैं भी यूट्यूबर। हाँ वो तो बेटा मैं समझ गया, लेकिन सेंस क्या बना इस बात का मेरे को वो नहीं समझ में आया। देखो गाइस देखो क्या बोलेंगे। चलो मैं जाता हूँ भाई, लोगों को कैरी ऑन, मैं ब्लॉग अपना अकेले बना लूंगा, तुम लोग बैठना पड़ेगा। ठीक है बाय। चलो बाय बाय, सी यू। मेरा बच्चा अली ने आज कसम खाया है कि वो कुछ भी मस्ती नहीं करेगा। कसम ने खाया तो क्या करूँगा? बेटा देख ऐसी अच्छी बात नहीं है, कितने लाखों लोग तेरे को व्लॉग में देख रहे हैं, ऐसा बोलेंगे इतना मस्ती करता है बच्चा कैसा कोई चलेगा। आज तू अच्छी अच्छी चीजें कर, एक काम कर, तू चुपचाप अपने कपड़े निकालो खुद से पहन, देख तेरा नाम हो जाएगा। मजाक नहीं करो, इतने सारे कॉमेंट आएगा तेरे लिए बेटा, माशाल्लाह। आग मारा फॉलोवर्स के लिए, कितना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बच से बचाए। ओ वेरी नाइस टी शर्ट। चलो फटाफट उतारो कपड़े, अभी अपने नंगू पुंगू हो जाओ। चलो अच्छे बच्चे अच्छे से करते, चलो कपड़े सब निकाल। हाँ ऐसा उतारो ऐसा। ये बॉडी बिल्डर। सो गाइस माशाल्लाह बच्चे ने खुद से कपड़े पहना है। अली देख, देखो मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ। तब एक सच्चे मर्द का कर्तव्य होता है कि वो अपने सर पे जिम्मेदारियाँ उठाए। सर पे नहीं तो अब सर पे जिम्मेदारी होता, आपकी बेटा वो सब थूका इतना मेरे मुंह पे भिगा दिया मेरे को, थोड़ा तेरे प्यार में भिगा दिया तूने मेरे को। नीदा जी का प्यार तेरे मुंह से आ रहा है। अच्छा अच्छा वो सब छोड़, मैं तेरे को क्या बोला समझ में आया? असली लड़के का जो कर्तव्य होता है वो नीदा दीदी बोलता है। ये दोनों भाई बहन मेरी क्लास लेने यहाँ पर आ लगता। सो गाइस चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और इसको लेके चलते हैं एक बड़े तूफान के घर। बड़ा तूफान देखा है कभी? तूफान भवंडर तक उससे मिला था मैं। चल मैं ऊपर तक गेट पे खड़े थे, बोले लोग आने वाले। सो गाइस ये दोनों भाई बहन ने परेशान करने का ठेका ले लिया आज। अभी निदा कार में बर्गर भूल गई तो बर्गर लेने जा रहे, और बेचारा मेरा भाई अरसान मेरा साथ देने आ रहा है भाई। देखिए इसको बोलते हैं दोस्ती। सो गाइस अली को लाके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया उन लोग के सर पे। मैं क्यों अकेला झेलू? तुम लोग भी थोड़े मजे लो। सो गाइस मैं बहुत दिनों बाद मिसबा के घर पे आया हूँ। मिसबा के घर पे मैं आऊँ और मिसबा के फ्रिज में ना देखूँ उसके पास खाने के लिए क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ए मिसबा कुछ पीने के लिए नहीं है क्या? पिलाओ यार, क्या कर रहे इतने दिनों बाद तुम्हारे घर पे आया, ऐसा कोई स्वागत करता है मेहमानों का? पगली पिलाओ। सो गाइस अभी अली ने नया बकरा ढूंढा है, सॉरी बकरा नहीं मेंढा, नया मेंढा ढूंढा अरसलान ने, ए सॉरी अली ने। अली बाल बाल, अरे बाल तो नहीं है सॉरी, नहीं बाल के साथ दाढ़ी के बाल, दाढ़ी के बाल ऐसा है मजनू। चलो अली बेटा गाना गा के सुनाओ। चलो बेटा अली और मैं पसूरी पसूरी। अगर आप वो मजनू नू और दान के पसूरी नू, वाह सर में वाह तेरी वाह, जावा में पूरी नू, आज दिलो लीला वाह, तेरे पंख पंख है वाह, मामा बोल के सजाए मामा चूनी चूनी नू। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख के ऐसा अली को ऐसा बचपन में आपके साथ कहने का, ये हुआ ही होगा। सबके साथ होता है ये। बेटा मेहमान मेहमान आए, सुनो बेटा पोयम आता है। सो गाइस इसका आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, इसको पोयम का मतलब ही नहीं मालूम।
देखिए देखिए इसकी बहन का रिएक्शन। गाइस चमत्कार हो गया। अरे तो हम लोग तो मस्ती कर रहे हैं, उसको गलती बता रहे हैं, इसको आता नहीं है। कैसी जालिम लड़की थी, कैसा बदनाम कर लिया हम लोग को। उसने सिर्फ क्यों की दो बार बोला बच्चों। आता आता है अरे हाँ वाई वंडर सुफियान इसको लेकर आए क्यों बताओ। अपने वो डेमो था नर्स की बात का, बोला ना बच्चा आएगा तो बड़ा घर चाहिए आगे लाइफ में कभी, तो बोला 2 BHK लो तो अपने को डेमो देने आए नाचो। सो गाइस अली बोला कि अब उसका मन भर गया है इस बाय घर से। अली बस अभी अभी कहाँ जाना है? अरे बेटा तेरा फिर प्रमोशन कर दिया तूने। जैसी बहन वैसा भाई। अबे मेरे को खुद को डर लगती है। देखो ना कुत्तों से डर रहे गाइस ये लोग, कुत्तों से डर रहे हैं। मैं गाड़ी लेके आगे आता हूँ तो कहाँ है गाइस? देखो यहाँ पे गैंग वॉर चल रहा है, मैं गाड़ी आगे लेके आता हूँ। गाइस ये लोग तो गुस्से में देख रहे यार, मैं नहीं हूँ गाइस। अरे मामा 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 कुत्तों से इन लोगों को बचाते हुए मैं हाजिर हो गया हूँ। आ जाओ आ जाओ सब कुछ। अरे तो तुम पीछे बैठ जाओ ना अभी। कुत्ते यहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हो गए, ये लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे और मैं सनरूफ के ऊपर खड़ा हो गया। ये आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अनिता अच्छा मैं दरवाजा खोल दो तुम खाली, मैं लड़ूंगा शीतल। हमारे एक में सैक्रिफाइस करने वाला भी है। आ जाओ आ जाओ फटफट आ जाओ। जल्दी आओ फाइनली आ गए हम लोग अंदर। हम लोग अभी घर पे आ गए हैं और ये छोटा चेतन को मैं अभी जरा मूवी दिखा रहा हूँ। इस मूवी दिखाने के बाद हम लोग सो जाएंगे। सुबह उठ के गाइस हम लोगों को बहुत मस्ती करना है कि नहीं? हाँ चलो सो दो अभी, चलो हाँ बस गुड नाइट चलो। तो गाइस हमारी मॉर्निंग हो गई है और ये सुफियान को उठा के बोल रहे कि ब्रश लेकर आओ। उससे दांत घस ले। चल मम्मा आ जा उठ जा, आज तू बिना ब्रश के करना। गुड मॉर्निंग मुंबई। सो गाइस फाइनली हम लोगों की गुड मॉर्निंग हो गई है गुड इवनिंग के टाइम पे। और ये देखो बेचारा माशाल्लाह बच्चा यहाँ पर। ए अली देखो क्या सिखाया था मैंने कल, मर्द का क्या होता है? हेल्प करना, क्या बात है तालिमा, यही ना बात। सो गाइस पार्ट टू में आप लोगों को यही देखने मिलेगा कि अली माशाल्लाह कितना सुधर चुका है। और हम लोगों ने गाइस पार्ट थ्री भी डिसाइड कर लिए है, वो पार्ट थ्री क्या होने वाला निकाल रहा बताओ। पार्ट थ्री में मैं बच्चा बनूंगा। अब पार्ट थ्री में जब उन्हें डिसाइड किया 24 आवर्स इंतजार। अली और सुफियान रहेंगे 24 आवर्स नहीं नहीं हाँ हाँ तुम भी नहीं नहीं रह सकती तुम दोनों के साथ। तो गाइस आप पार्ट टू देखो, उसके बाद आप लोगों को पार्ट थ्री भी देखने मिलेगा इन द कार फुल डे। तो फुल डे में इसको 30-40 वो सब करवाना रहेगा, हालत खराब हो जाएगी बेटा। चल अभी अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नाश्ता खुद से करना है अपने को। खुद से नहीं आप खिलाएंगे। अभी मैं क्या सिखाया था, मर्द का काम होता है रिस्पॉन्सिबल खाना खिलाना, एक मर्द का काम सही मिला है तुमको, यही चुप बिठा सकता है। और गाइस वो पार्ट थ्री की डिमांड अभी एकदम उभर के आई है क्योंकि अली के 50K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं गाइस, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए इसके बच्चे के देख लो। चलो अली मैंने क्या सिखाया था, वही 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 खड़े रह के खोलो दीदी के पास, दीदी की हेल्प करो, चलो खोल के लो दीदी को। हाँ ये अरे नीचे नहीं बेटा ऊपर ही। अरे अरे क्या कर रहा, बैठ के उसके ऊपर खोल तो हार मान गया ला, दे दे छोड़। हाँ अच्छे बच्चे खुद से खाते खाना खुद का। हाँ जैम जैम नहीं पसंद है क्या? मस्का दू
मस्का मेरा मस्का चाहिए नहीं मस्का नहीं देने का इसको। चलो दीदी मस्का मना करी चलो फटाफट जैम खाओ पूरी खुड़ 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 खुड़। अभी नाश्ता वगैरह हो गया बेटा हो गया नाश्ता ना हाँ। और अभी अली का रेस्ट करने का टाइम है अली बेटा चढ़ जाओ फोन लो अपना चलो लेट जाओ ऊपर जाके जरा अभी मस्ती नहीं करना जरा हम लोग बाहर बैठे थोड़ी देर बात कर रहे थोड़े लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हम लोग तो रेस्ट करना है यहाँ पर हम लोग तेरे को फिर लेना है थोड़ी देर बाद ठीक है चल बाय बाय। चलो गाइस बच्चा सीख रहा है मतलब मैं बच्चे को सुधार रहा हूँ वेरी नाइस बहुत रेस्ट हो गया अब चलते हैं अली को लेने के लिए देखते ये क्या कर दिया अबे ये क्या कर दिया निदा निदा मत आओ तुम देख नहीं पाओगे अली घर तेज तेज कर दिया अबे तू अबे निदा पूरा टेबल तुम्हारा खाली कर दिया इसने तो क्या किया है पूरा सामान गिरा दिया अली देखो मैंने क्या समझाया था बेटा मर्द की क्या होती है मैं क्या कुछ नहीं होता देखो कुछ नहीं होता लेकिन हम लोग को तो हो रहा है ना तो गाइस लगता है अब ये निदा को ही साफ करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि निदा उसकी बहन है निदा निदा ए बोलो निदा 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 गाइस ही इज अ पेड एक्टर इसकी दीदी ने इसको सब सिखा के भेजी है नहीं भी सिखा के भेजी तुम रखो वहां पे मेरा सब सामान देखो 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 कैसा देखो बराबर तो है अली रख जल्दी से टिश्यू पेपर किसने सा निकाल के फेंका है तू जो फ्रेंड अबे माय कौन लिया हेलो ले पकड़ ये आप पकड़ो अली तुम सुसु तो नहीं किए अली ने सुसु कर दिया क्या अली ने सुसु कर दिया तभी मैं बोलू वो गीला गीला क्यों वेट तुझे पोंछ रहा था ना तू और तुम्हारे साथ सो रहा था ना नहीं मैं नहीं अभी गीला हूँ मैं सो के डो तब नहीं था लो अरे अरे वहाँ जा वहाँ कोने में जा मैं ले रहा हूँ लेके दे रहा हूँ छोड़ दे पकड़ अभी वैसा नहीं छोड़ दे काम तो मैं कर लूंगा आप लोग देख लो सुफियान भाई कैसे डैडी बनेगा अपने बच्चे से ऐसा काम करेंगे फिर बोले मैं कर लूंगा अरे अरे हट तो सही यार अरे बना नहीं तू ही कर ले मैं नहीं कर रहा हो गया चलो वेरी गुड चलो घर चलो चलो अभी क्या करना है बोल चलो बाप रे बाप चलो गाइस को स्विमिंग पूल लेके चलो निदा नहीं मैं नहीं आ रही निदा नहीं निदा रेस्ट कर रही है अभी तो साथ में चलो तो सही नीचे चलो चलो गाइस स्विमिंग पूल अरे यही बेटा यही से ही डुबकी मारो नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए कपड़े नहीं एक तो हम लोग आ गए हैं पूल साइड निदा अली एक कदम रखा बोले ये भी पूल है अंदर ही चल कूद जा अंदर अली 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 काम हो गया वाह अली मजा आ रही है अबे अली इधर देखो प्लीज उठाओ इसको ये अली तो चल सकता है सुफियान तुम बैल लो ट्यूब हाँ जाओ जाओ अभी अली जा रहा है बड़ों के पूल में ये सुफियान पूछ रहे ट्यूब चाहिए वाह वाह बच्चों से गिर गया है पूरा सुफियान बंद करके अंदर चले जा नाक बंद कर ये देख ऐसा नाक काट के जा 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 अरे जा देख सही देख सब लोग जा रहे देख 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 कितने छोटे छोटे सब लोग तेरी तरह चल अली जा अली अली अरे का जा 1 2 3 एक नंबर लगा तो यहाँ पे सुफियान थोड़ा सा चिल कर रहे हैं मार दे खुद ही मार खुद ही मार जल्दी 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 वाह लास्ट टाइम अली ने परेशान किया था सुफियान को अभी सुफियान परेशान कर रहा है अली को नहीं अडी नहीं अडी देख नहीं है नहीं है अडी पे कहाँ अडी पे देख सब खड़े देख सुफियान अली को परेशान कर रहे हैं दुबाओ दुबाओ दुबाओ
आज एक साथ इतने सारे बच्चे परेशान करे सुफियान तुमको। अली ने अपना किनारा पकड़ लिया। जा 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 अली जल्दी जा। और यहाँ पे अली कुछ तो करने जा रहा है। नहीं 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 जल्दी चलो अभी चलो। अरे सुफियान भाई के और डुबा रहे हैं। चलो अली ऐसा नहीं करते। और ये लोग दोनों फिर से जा रहे नहाने साथ में। सुफियान हमेशा की तरह पूल से आने के बाद ये लोग नहा रहे हैं। So guys, हम लोग अभी पूल में से आ चुके हैं और हमारा छोटा मास्टर भी रेडी हो चुका है। कैसा लगा आज, मजा आई? तारीफ करेगा कि नहीं करेगा मेरी? सच सच बोल अली। बोल। छोड़ो अभी इसको व्लॉग नहीं लूंगा अभी। तो गाइस अभी आगे का व्लॉग मैं अकेला बनाऊंगा। अब आगे व्लॉग में अली नहीं रहेगा गाइस, क्योंकि वो एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। तो फिर इसमें एटीट्यूड तो सोचो, मैं इतना ऊंच रहा हूं हाइट में, मेरे में कितना एटीट्यूड रहेगा। तो गाइस हम लोग लाए हैं अली को मेले में। आंटी मेरे को भी जान दो ना। हां कूद जा वहां से, कूद जा, कूद जा। दो मिनट के लिए मेरे हार्ट बीट ऊपर नीचे। गुलाटी मार, गुलाटी ए, गुलाटी मार, गुलाटी हां मार, हट गया, हट गया। यहाँ पर सुफियान भाई और निदा के फैंस आ गए हैं और अली वहाँ पर खेल रहा है। अभी अली का ट्रैम्पोलिन वाला सीन हो चुका है और अभी ये जिद कर रहा है कि इसको सब कुछ करना है। ये देखो अभी यहाँ पर जा रहा है। अभी बेटा मेरा घर जाने का वक्त आ गया है। चलो बस हो गया, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे भागो, भागो। फिर भाग रहे हैं। सुफियान को भी बचपना जाग गया है। मेरे को 50 रुपए, 1 रुपए भी नहीं ला पाए। ओ पोपाट पोपाट। और अभी सुफियान को आया है क्रेज। क्या चीज अली, कुछ मिला? डब्बा हिला भाई। हुआ हुआ 10 रुपए की। तो गाइस निदा ने मेले में से मस्त शॉपिंग कर ली है अचारों की। अब घर पर जाके विचार करेंगे हम लोग इसका। बच्चे लोग की जिद देखो गाइस, इसको नहीं दिलाया तो कैसा मुंडी झुका के चल रहा है सैड होके। निदा आजकल के बच्चे बहुत शाने हैं यार, है ना? तो मैं बोल रही यहाँ से नहीं, कोई अच्छी जगह से दिला दे तो सुनता नहीं, बोलता यहीं से ही चाहिए। अरे 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 कहाँ गया, कहाँ गया, क्या हो गया अली? घर छोड़ना पड़ेगा लगता है इसको अभी। चलो बाहर देखते दीदी की सुनता है कि नहीं। अली बोली बाहर निकल, जल्दी बाहर आओ। क्या बोला? मैं वैसी सैड हूँ, मुझे और मत करो। बाहर आओ अभी। तुमने क्यों नहीं उसको दिलाए सुफियान? चलो अब उसको तुम मनाओगे, मैं क्यों मनाऊं? इसको मैंने बंदूक चला के फ्रूटी दिलाया। जाओ वहां से लेकर आओ उसको। पकड़ लिया, बोला नहीं। अब क्या करने का? तुम दोनों बैठो कार में, हम लोग खाना लेके। पकड़ो इसको, चल इधर आ। देखिए गाइस अपनी दीदी की भी बात नहीं सुन रहा है ये। आया देखिए गाइस, टेक्निक काम आ गई। चलो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया गाइस, आ गया। ओ दीदी की सुनता है क्या? बंद। चलो आ गया फाइनली। देखो गाइस ऐसा बच्चे को सुधारते हैं। कल को आपका बच्चा भी अगर गाइस जीत करे तो थोड़ा सख्त होना पड़ता है पेरेंट्स को। वेरी गुड निदा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसका मतलब गाइस मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन रहने वाला है, क्योंकि निदा थोड़ी यू नो गाइस स्ट्रिक्ट है, जैसा मुझे भी उसने रखी है अपने स्ट्रिक्टनेस के। ये नहीं बोलना था क्या? सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए और खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किए है निदा का स्पेशल मैंगो। तो कॉपी करके उसके भाई ने भी बोला मैंगो, बोले जो दीदी खाएगी वही मैं खाऊंगा। हम लोगों का खाना वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और ये बच्चा तो अभी तक नाराज है, इसकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही है। एक घंटा हो गया इतना नाराज हो गया ये। अरे बेटा देखो दिला देंगे, दीदी बोली तो दिला देगी टॉय, मेले का टॉय चाहिए उसको। बोलो भाई वो टॉय है ना जरा भी अच्छे नहीं थे, एकदम नल्ला क्वालिटी के टॉयज थे और मतलब ये लेके तोड़ देता। इसके लिए मैं इसको बोला बेटा टॉय ले ही मत। कुछ बोल तो।
तो गाइस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अली को समझा रहे थे, इतने में अली हाथ छोड़ा निदा को और सीधा भाग गया, बोले मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। निदा ऐसा कैसा जिद्दी हो गया ये, हाँ उधर गया ना, हम लोग थोड़ी देर रुके कि हाँ नहीं गया है, भाग के वापस आ जाएगा, ये तो गायब भी हो गया यार, पता नहीं कहाँ चला गया, इधर गया के उधर गया। नो अरसलान भाई तुम इस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाके ढूंढते, फोन करो मेरे को याद से, पता नहीं कहाँ चला गया यार ये तो। क्या करेंगे हम लोगों ने पूरा एरिया ढूंढ लिए, कहीं भी नहीं मिल रहा हो। मैंने चार पांच लोगों से पूछा भी क्या छोटा बच्चा देखे क्या तुम लोगों ने, मैं तो देख ही रहा हूँ कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मेरे को थोड़ी दिख ही नहीं रहा हो। तुम्हारे सामने चार लोग से पूछने बोले नहीं देखे, पर नॉर्मल लोग तो यहाँ पर दिन में 10 लोग आ जा करते, मैं क्या बोलता हूँ। तुमने देखे पूरा एरिया देखे वहाँ पर पूरा, कोई ना कोई उठा लेता है बोलते ना, हाँ ऐसा वो भी तो है नहीं, ये लोग से भी पूछा मैंने, ये लोग ये जो घूम रहे लोग ये लोग से बोले कि नहीं है ऐसा तो कोई देखा नहीं मैंने बच्चों को। रो क्यों रो निदा, तुम पागल हो गए हो क्या, रोने से क्या आएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा निदा, रोने का क्या मतलब है, रो मत रो मत, चलो अब उन देखते हैं और पुलिस स्टेशन में जाते, चलो ना आओ ना एक बार देख कर आया देना क्या क्या प्लीज चलो यार, हाँ चलो 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 चलो, पता नहीं कहाँ है उन्हें, रो मत चलो जाते हैं अपुन चलो। सो गाइस हम लोग पुलिस चौकी के लिए निकल गए, देख ही रहे रास्ते में कहीं दिख जाए हम लोगों को, इधर टेंशन मत लो मिल जाएगा टेंशन मत लो, दिख रहा है क्या तुमको ना, तुम रो मत, ढूंढो उसको, ढूंढोगे तो मिलेगा निदा, ढूंढो गार्डन में घूम रहा है, देखो ए भाई ओ कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था, क्या डर गए थे पागल, कितना रो रहे दीदी को मालूम क्या, चल अभी यहाँ से, जैसा मेरे से गलती हो गई, मैंने इसका हाथ बराबर पकड़ी नहीं थी, ये लड़का ये भरोसे पे कभी नहीं छोड़ने का कि जब कहाँ गया आ जाएगा अपने आप, आई स्वेर ये ऐसे बच्चों को तो कभी नहीं छोड़ेगा, तू कहाँ चला गया था अली, वॉकिंग करते यहाँ पर आ गया था, देखो जरा भी ध्यान नहीं आया कि दीदी और जीजू सब ढूंढ रहेंगे मैं कहाँ चला गया, नेक्स्ट टाइम से करना नहीं है अली। तो गाइस अभी अली का जाने का टाइम आ गया है और मैं अली को बहुत ही ज्यादा अभी से मिस करने लग जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं करना, दीदी का हाथ छोड़ के कभी नहीं भागना किधर भी, अब मम्मी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बहुत लंबा चौड़ा, बाय बाय लव यू। अली चला गया है घर पे और फिर से सुनो सुनो सा लग रहा है, ऑब्वियसली अरसलान भाई भी गए साथ में, कोई नहीं तुम्हारे को तंग करने के लिए मैं हूँ ना, बस क्या मेरे को भूल गए, मेरे को मजा आ रही थी कि कोई तुमको भी तंग करने वाला था पागल, कम करते हो क्या मेरे को, मैं इतना तंग नहीं करती, बच्चा होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, है ना, सही बात है। चलो और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट फॉर पार्ट 3 गाइस, यस पार्ट 3 24 hours Ali and Sufyan in the car. Bye bye. Allah Hafiz. Love you all.